गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे शर्मा जी ने भेजा था। अच्छा, शर्मा जी ने आपको भेजा था, बैठिए। हाँ जी, अंजलि जी, मैंने आपकी फाइल सारे चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए थे, आप इस जॉब के लिए फाइनल है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू की क्या बात है, आप कल से ऑफिस आ सकती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी सर, आपने बुलाया मुझे। हाँ अंजलि, एक मिनट। अंजलि, मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम ना किसी से ऑफिस में बात करती हो, ना हंसती हो, ना कुछ बोलती हो, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे अंजलि, मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तो तुम मुझे नहीं बताओगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ ना अंजलि। एक्चुअली सर, घर में माँ बीमार रहती है और छोटी बहन का सारा खर्चा मेरे ऊपर है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, तो इसी चक्कर में मैंने ये जॉब ज्वाइन की। ठीक है अंजलि, मेरी तरफ से जितना होगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूँगा। अच्छा ये बताओ, आज शाम को क्या कर रही हो तुम? सर आज तो मुझे जल्दी जाना है, माँ की दवाई लेकर आनी है। अरे अंजलि, वो मैं करवा दूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं सोच रहा था आज शाम को हम दोनों बाहर डिनर करने चलते मेरे फार्म हाउस पे। लेकिन सर मुझे। अरे उस चीज़ की टेंशन मत लो और लेकिंग वेकिंग छोड़ो, ये सब मैं देख लूँगा। आज हम हमारे फार्म हाउस पे बाहर डिनर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करते हुए निकल लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अरे अंजलि, फिनिश करो। नहीं सर, मैं नहीं दीदी, सच में। मेरे लिए थोड़ा थोड़ा। अरे कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी 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 पियो। सर,
और बता सूरज, कैसे चल रहा है? बस यार, क्या बताऊँ, वो हरिद्वार वाला प्रोजेक्ट, उसमें भी लॉस हुआ और जयपुर वाला वैसे नहीं चल रहा। अभी तो बैंक का इतना कर्जा है, समय नहीं आ रहा कि मैं आगे का बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ। तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना यार।
तेरे पहले बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर। तू एक काम कर, तू नया बिजनेस स्टार्ट कर, पैसे मैं देता हूँ, नाम तेरा और काम मेरा। क्या सर? हाँ ये कुछ फाइल्स हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ दीपक, ये कौन है? ये वही अंजलि है जिसके बारे में तेरे से बात कर रहा था। ठीक है अंजलि, मैं देख लूँगा, तुम आ जाओ। और सुना? बस कट रही है जैसे तैसे। काफ़ी टाइम हो गया, आज चलते हैं यार, तो पैक मारेंगे। चल क्या है अंजलि, ये रोज के रोज लड़ाई? सुबह ऑफिस में किस तरह की बातें हो रही थी कि ये अंजलि है, ये वो है, मतलब क्या था उसका? मतलब कुछ नहीं था, मैं चाहता हूँ तुम और सूरज शादी कर लो। तो पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ इस दुनिया की नज़र में तुम और सूरज शादी कर लो, तुम दोनों इस जमाने की नज़र में वाइफ और हस्बैंड बन के रहोगे। लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये तो सोचो एक बार। यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ तुम मान जाओ। ये नहीं हो सकता। देखो हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं ना, मगर दुनिया की नज़र में तुम दोनों एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हो गए ना, प्लीज समझो। ये मैं नहीं कर सकती सर। और ये किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम दोनों के बीच में क्या है, प्लीज मान जाओ। अरे अंजलि खुश तो होना तुम? हाँ मैं खुश हूँ। अंजलि सूरज सो गया, मैंने उसके दूध में नींद की गोलियां डाल दी थी, तुम्हारा वेट करूंगी, मिल जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? अब सो रहे हो क्या जल्दी? नहीं जा रही हूँ। तुम
अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। सो गया वो? हाँ। चलें? हाँ चलो। फ्रिज में बोतल थी पानी की, मैं तुम्हें भर के रख लेता हूँ। तुमने भरी मैंने भरी एक बार है। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। आप अरे नहीं, मैं भी करो नहीं। अरे आप क्या कर रहे हैं? करो करो आप करो ना। मैं कर लूंगी आप जाओ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी हेल्प करना। नहीं नहीं आप जाओ। मैं कर रहा हूं। आप रहने दीजिए, आप जाके बैठिए। अरे तुमने किया मैंने किया एक बात है ना। अरे अरे कहाँ क्या लगा रही है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। ऐसे ही? कुछ बात तो है? नहीं नहीं वो थोड़ा सा मेरा दर्द है। अरे सर में दर्द था तो दवाई लेनी थी, ला मैं दवा। नहीं 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 अरे, अरे लाओ ना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है बस। अरे क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे आपको कुछ बात बतानी थी। तो बताओ ना। वो दीपक है ना? दीपक? क्या हुआ दीपक? वो दीपक मेरे को उसके बारे में मुझसे कुछ दीपक की है, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना कि आगे से कोई ऐसा काम मत करना। नहीं। और दीपक को तो मैं देख लूंगा। अरे भाई अंजलि, वो मेरा ऑफिस का बैग लाना। जी अभी लाई। ये लीजिए। अच्छा मैं चलूं?
बिल्कुल। क्यों, मुझे सी ऑफ करने नहीं चलोगी? अरे क्यों नहीं चलूंगी, चलो। बाय बाय बाय। अरे शर्मा जी के डॉक्यूमेंट्स तुम आप भूल ही गए, लेके आओ। अंजलि, दीपक तुम यहाँ? हाँ। सुनो अंजलि, ये सब जो चल रहा है मैं इसे आज खत्म कर दूंगा। दीपक तुम यहाँ आना बंद कर दो। क्यों अंजलि? मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं तुम यहाँ आओ। ये सब हमारा प्लान था अंजलि। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो दीपक? तुम नहीं समझ रही बात को। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। अंजलि, अगर तुम मुझे छोड़ोगी ना तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम जानती हो मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हैं? दीपक मना कर लो। दीपक दीपक नहीं, दीपक दीपक कमीने, तेरी इतनी हिम्मत तू मेरी बीवी में बुरी नजर डाले? देखा, बुरे काम करने वालों का यही नतीजा होता है। चलो इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, कहीं कोई देख ना ले। ये तो अच्छा हुआ अंजलि कि तुमने समय रहते मुझे दीपक की घिनौनी हरकतों के बारे में बता दिया और हमने उसे मार दिया और उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी। लेकिन एक डर है। क्या? तो इसके बारे में किसी को पता चल गया तो हमें उम्र कैद हो सकती है। दीपक का तो हमने नहीं देखा यार। दो तीन दिन हो गए ना तो उसका फोन लग रहा ना, उससे मेरी कोई बात हो पा रही। मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है, पता नहीं ऐसे कभी किया नहीं है उसने। नहीं, दो तीन दिन से ना तो दीपक का कोई फोन आया और ना ही मैंने उसको किया। हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नहीं तो यार आप देखो ना, कहीं कुछ पता चलता है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे उसके लिए। यार
चलो मैं पता करता हूँ। हाँ आप देखो ना, मैं भी कुछ देखती हूँ, अगर कहीं कुछ होता नहीं तो फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना। ठीक है, जैसे डिपो की सलाह मिलती है मैं तुम्हें खबर करता हूँ। किसी को पता चल गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी होने के बाद भी वो इसके साथ नजायज संबंध बनाता रहा। फिर इसने मुझे सच्चाई बताई और हमारी हाथापाई में उसकी मौत हो गई। लेकिन हमने जानबूझ के नहीं मारा तुम्हारे पति को। मुझे यकीन नहीं होता कि दीपक ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं पुलिस में भी जाती तो मैं क्या कहूँगी? Thank you.